किसको? बायर को, ठीक है जी। ये काम हुआ 1 जनवरी 2016 को, ठीक है जी। अब यहां से 3 महीने बाद पैसा मिलना है दोस्तों। पैसा कब मिलना है? बायर से 3 महीने बाद। वो डेट क्या है? 31 मार्च तक तो हम मांग ही नहीं सकते पैसा। 31 मार्च 2016 तक ये पैसा नहीं मांग सकते आप। 1 अप्रैल को ये पैसा मांगेंगे आप। लेकिन सेलर को अर्जेंट नीड आ गई, कोई अर्जेंट नीड ऑन 1 मार्च 2016, पैसा मिलना है मान लो 3 महीने बाद, तो डेट कौन सी आ गई? ड्यू 1 अप्रैल 2016। लेकिन अर्जेंट नीड ऐसी है कुछ कि हम कहते हैं कि भाई ऐसा है 1 मार्च को ही हमें पैसा चाहिए। सेलर कहता है आज पैसा लेना बहुत जरूरी है भाई, क्या करें? अरे भाई बायर को सामान बेचा तो था, लेकिन वो तो 1 अप्रैल को पैसा देगा क्योंकि हमने उसे 3 महीने का उधार दिया था। अब अगर मैं उसके पास जाऊं, बायर के पास, और बोलूं कि भाई मुझे अर्जेंटली ये पैसा रिक्वायर्ड है एंड आई वॉन्ट टू रियलाइज दैट मनी, रियलाइज मनी क्विकली, मुझे पहले चाहिए वो पैसा, हालांकि आपने पैसा 1 अप्रैल को देना है, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट मुझे पैसा चाहिए, बताइए क्या आप दे सकते हैं? वो कहेगा नहीं जी नहीं, आपने मुझे जैसा टाइम बताया था मैंने अपने फाइनेंसेस को वैसे ही मैनेज किया है, अब मैं कैसे पैसा दे दूं आपको? तो सेलर उसे कुछ लालच दिखाएगा, ठीक है जी आप एक काम करो, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेना है, अगर आप मुझे 1 अप्रैल की जगह आज 1 मार्च 2016 को पेमेंट कर देते हो 1 महीने पहले, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 5,000 रुपए का डिस्काउंट, यानी आप मुझे 1 लाख रुपए देने की बजाय ये मत दो ये मेरा ड्यू मनी है, उसमें से 5,000 रुपए माइनस करके मुझे आप 95,000 दे दो। मैं आपको इस 1 लाख रुपए की डिमांड नहीं कर रहा, इस 1 लाख रुपए में से मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? कैश डिस्काउंट। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू रियलाइज दिस मनी क्विकली, दैट इज वाई ये 95,000 दे दो, मैं आपको आज ही डिस्काउंट कितना दूंगा? 5,000 का। तो ऐसी पोजीशन में जो ये 5,000 रुपए कम लिए जा रहे हैं दोस्तों, यही कैश डिस्काउंट है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो अगर बायर इस काम के लिए रेडी हो जाता है, बायर कहता है जी ठीक है मैं आपको ये पैसा अभी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो दोस्तों इधर क्या हुआ, बायर ने डिस्काउंट रिसीव किया। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? बायर ने, बायर कौन है? डेटर है। यहां पर बायर कौन है भैया? हां जी बायर कौन है? डेटर, जिसने पैसा देना था इसको, ठीक बात है कि नहीं? इसको तो डिस्काउंट मिल गया, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गई? इनकम। 5,000 रुपए इसके बच गए, बोलिए हाँ या ना। ये हो गया दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड। सेलर को 1 लाख की बजाय सिर्फ मिला कितना? 95,000। तो सेलर एक तरह से जो कि क्रेडिटर है उसको कम पैसा मिला है, तो सेलर ने एक्चुअली ये डिस्काउंट अलाउ किया है। सेलर ने डिस्काउंट क्या किया? अलाउ किया है। और अगर उसने ये डिस्काउंट अलाउ किया है तो भाई उसके लिए क्या मान लिया जाए? उसके लिए ये एक एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस। मैंने इसे लॉस क्यों नहीं किया? मैंने इसे लॉस क्यों नहीं कहा? एक्सपेंस क्यों कहा? क्योंकि उसने ये काम अपनी मर्जी से किया है, वो चाहता है कि एक्सपेंस हो और मुझे मेरा पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये बात भी पहले बताई हुई है मैंने आपको कि एक्सपेंस और लॉसेस दोनों का नेचर डेबिट ही होता है, ठीक बात है कि? तो यहां पर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, बायर के लिए इनकम हो गई 5,000 रुपए की, जबकि इस सेलर के लिए ये 5,000 रुपए का
एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है बढ़ रहा है दोस्तों, बोलिए हाँ ना, इसीलिए डेबिट हो गया। यहां पर ये इनकम बढ़ रही है इसीलिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश डिस्काउंट का पूरा प्रोसेस आपके सामने है, क्या ये बात समझ आई? कैश डिस्काउंट की अब जर्नल एंट्रीज हम इसके बाद करने वाले हैं, आप इसे नोट करिए फिर चलेंगे आगे। रब कर दिया जाए इसे। अब हम करेंगे दोस्तों कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज, क्या किया जाएगा, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज की जाएगी। चलिए कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को सेलर और बायर, सेलर जो है जब गुड्स क्रेडिट पर बेचता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, क्रेडिटर, उधार देने वाला, ठीक है कि नहीं, इसी ने ये पैसा लेना है तो क्रेडिटर क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ कर देता है ताकि उसका पैसा जल्दी मिल जाए, ठीक बात है कि नहीं, इसी कारणवश डिस्काउंट अलाउड उसके लिए एक्सपेंस बन जाता है और वो इसे क्या करता है, डेबिट करता है। जबकि अगर हम बात करें बायर की, तो बायर ने सेलर ने क्रेडिट पर सेल की थी इसीलिए क्रेडिटर बना, इधर बायर ने क्रेडिट परचेज की इसीलिए ये क्या बना, ये बन गया भैया डेटर, क्या ये बात ठीक है कि नहीं, ये बन गया डेटर। अब डेटर को डिस्काउंट मिला, डेटर को डिस्काउंट मिलता है कि भाई आप मेरा जल्दी पैसा पे कर दो, सैलरी ही तो बोल रहा है, तो जो ये डिस्काउंट रिसीव करेगा ये उसके लिए इनकम मान ली जाएगी, और इनकम हमेशा दोस्तों बढ़ती है, क्रेडिट होती है। तो ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति खरीद रहा है उधार पर वो डेटर है, उसने पैसा देना है, जब वो पैसा जल्दी देगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा और उसके लिए वो इनकम होगी। उसी तरह से जो सेलर है वो क्रेडिट पर गुड्स को बेचता है, वो क्रेडिटर है, उसे पैसा जल्दी चाहिए इसीलिए वो डिस्काउंट अलाउ करेगा ताकि उसे पैसा जल्दी मिल जाए, उसके लिए एक्सपेंस होगा इसीलिए वो उसे डेबिट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो जर्नल एंट्रीज कर ली जाए और मान लीजिए पहले हम क्रेडिटर की तरफ से जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, किसकी तरफ से, क्रेडिटर जिसने गुड्स को उधार पर बेचा था, मैं जर्नल एंट्रीज पास करने जा रहा हूं क्रेडिटर की तरफ से जिसने गुड्स को उधार पर बेचा था, ठीक है जी, और अब ये व्यक्ति जल्दी पैसा लेना चाहता है इसीलिए ये डिस्काउंट अलाउ करेगा। क्या वर्ड से मैंने, फ्रॉम द साइड ऑफ क्रेडिटर्स वी आर गोइंग टू पास जर्नल एंट्रीज, this is a person who has sold goods on credit and now he wants his money back very quickly and that is why he is giving discount, so because he is allowing that discount, that is why that discount allowed will become expense for him and he is going to debit it, is that very clear? Now one question comes that we are going to record this discount allowed and discount received. ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि discount received को और discount allowed को, ये cash discount है दोस्तों, इसे हमें record करना है
क्या ये बात ठीक है कि नहीं, लेकिन रीजन नहीं बताया था। और मैंने कहा था कि जब जनरल एंट्रीज आएंगी तो मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। तो दोस्तों वो समय आ गया, हम इसकी जनरल एंट्री क्यों करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड से लेकर के मैं आपको यहां पर पूरा एंड तक लेके जाने वाला हूं। आइए एक जनरल एंट्री पास करें और शुरुआत की जाए। क्रेडिटर एक जनरल एंट्री पास करने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हर एंट्री के दो सेट होंगे, क्या वर्ड्स है मैंने, हर एंट्री के दो सेट होंगे, पहले वो उधार पर बेचेगा और फिर जल्दी पैसा मांगेगा, इज दैट क्लियर। तो क्रेडिटर क्या कर रहा है, गुड्स को उधार पर बेचकर अपना पैसा जल्दी से जल्दी चाहता है वो लेना, इज दैट क्लियर और नॉट। तो कैश डिस्काउंट की जो हमारी जनरल एंट्रीज होने वाली है, आइए देखिए वो कैसे होंगी। फर्स्ट एंट्री का, फर्स्ट केस का पहला ट्रांजैक्शन, एक्स सोल्ड, ओके लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड टू वाई रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, ऑन 1st January 2016 अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 months, 3M लिख दिया मैंने, यानी 3 months, ये पैसा 3 महीने के बाद मिलना है, यानी 1 अप्रैल 2016 को मिलना है, यानी अब आपने सामान बेच दिया मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए का ऑन क्रेडिट। आइए जरा देखें कि 1 जनवरी 2016 को इसकी क्या जर्नल एंट्री पास हुई होगी। सेल की एंट्री है, वाई से पैसा लेना है, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या ये बात ठीक है कि नहीं। 1 जनवरी को ये जनरल एंट्री पास हुई होगी, वाई को हमने डेबिट किया होगा पूरे 1 लाख रुपए से और सेल्स को क्रेडिट किया था हमने पूरे 1 लाख रुपए से। अब पता लगा 1 फरवरी आ गई, अभी तो 1 ही महीना बीता है, 2 महीने बाकी हैं, राइट। ऑन 1st February 2016 full settlement was made with Y by receiving ₹95,000 ₹95,000 लेकर के, ₹95,000 लेकर के ही क्या कर दिया गया, फुल सेटलमेंट कर ली गई, फुल सेटलमेंट कर दी गई। इसका मतलब यह कि हमने वाई से लेना था 1 लाख, 95,000 लेकर ही फुल सेटलमेंट कर ली, कि हम ये मान लेंगे कि आपने हमें पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे दिया, बस आप हमें पैसा अभी दे दीजिए। उस पेमेंट को रियलाइज करने के लिए क्या किया सेलर ने वाई से, अपने डेटर से, जिससे कि पैसा लेना था 1 लाख रुपया, 95,000 लेकर ही पूरी संतुष्टि कर ली, ठीक बात है कि नहीं। आइए देखें, तो अब वाई से हमें पैसा मिला कितना है दोस्तों, वाई को हमने कितने से डेबिट किया था, 1 लाख रुपए से, तो अब वाई हमें देगा कितना, वाई ने हमें 1 फरवरी 2016 को कैश कितना दे दिया ये बता दो, कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट 95,000, लेकिन हमने क्या कहा मिस्टर वाई से, कि मिस्टर वाई हमने आपको 1 लाख रुपए से डेबिट किया था, हमने आपसे 1 लाख रुपया लेना था, आप हमें सिर्फ 95,000 दे दो, हम ये मान लेंगे कि आपने पूरा 1 लाख रुपया दे दिया, यानी हमने आपको पूरे 1 लाख रुपए से डेबिट किया था और अब हम आपको पूरे 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं, यानी हम आज के बाद आपसे पैसा बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे, यानी हमने 95,000 रुपीज लेकर कहीं संतुष्टि कर ली, ठीक बात है कि नहीं। अब भाई 1 लाख रुपए की जगह जो लेना था आपने पूरा 1 लाख रुपया तो क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब तो आपको पूरा 1 लाख मिल जाना चाहिए,
लेकिन 1 लाख ना मिल करके 95,000 मिला, और ये आपने खुद ही किया है। 5,000 रुपए का आपने क्या कर दिया दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, राइट। इस डिफरेंस के कारण इस डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किया जाता है। रीजन समझ में आ गया कि आखिरकार हम कैश अलाउड डिस्काउंट अलाउड को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि डेटर को हमने पूरे 1 लाख रुपए से डेबिट किया था, हमने उसे कह दिया भैया फुल सेटलमेंट हो गई, हम आपका पूरा 1 लाख रुपया घटा रहे, लेकिन उसने दिया तो केवल 95,000। तो भाई 5,000 रुपए आखिरकार क्यों नहीं आए, उसका रीजन तो बताओ। वो रीजन जो है 5,000 रुपए का, वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, और इसी कारण से डिस्काउंट अलाउड की जनरल एंट्री पास की जाती है और डिस्काउंट अलाउड को हमेशा डेबिट किया जाएगा और ये क्रेडिटर के लिए एक्सपेंस माना जाता है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों अच्छी तरह से? बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी एंट्री अगर मैं पास करना चाहूं, मान लीजिए ये आ गया, एक और केस लेते हैं इसका, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹2 lakhs ऑन 1st April 2016, क्रेडिट गिवन फॉर 5 months, 5 महीने का उधार दिया है। तो भैया जरा सोचो, उधार पर आपने सामान बेचा, जर्नल एंट्री क्या पास होने वाली है भाई? जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री होगी कि उधार पर बेचा, नाम तो लिखा नहीं, तो क्या लिखूं मैं? डेटर्स लिख दूंगा, जिनसे पैसा लेना है वो मेरे कौन है? डेटर्स। ठीक बात है कि नहीं? तो मैं ये जो जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, ये सेलर के बिहाफ पर पास कर रहा हूं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सेलर अपनी बुक्स में ये एंट्री पास कर रहा है सारी। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने उधार पर सामान बेचा और ये जर्नल एंट्री पास कर दी होगी 2 लाख रुपए से। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मैंने तो 5 महीने के लिए उधार पर बेचा था, अभी 5 महीने बीते ही नहीं, अभी तो 2 महीने ही बीते थे, अप्रैल के बाद मई और 1 जून को ही, ऑन 1st June फुल सेटलमेंट वॉज मेड, फुल सेटलमेंट वॉज मेड विद डेटर्स एंड रिसीव्ड ₹1,80,000। अब बताइए, 1,80,000 रुपए लेकर के ही आपने फुल सेटलमेंट कर डाली। अब ये जो फुल सेटलमेंट आपने की है, आपने अपने डेटर्स से क्या कहा होगा कि डेटर्स आप हमें आज ही पैसा दे दीजिए, अभी तो हालांकि 2 ही महीने हुए हैं, हमने आपको 5 महीने का उधार दिया था, हमें लेकिन पैसा जल्दी चाहिए, आप एक काम करिए, आप हमें सिर्फ 1,80,000 दे दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने हमें पूरे 2 लाख रुपए दे दिए, यानी हमने आपको पूरे 2 लाख से डेबिट किया था, हम आपको पूरे 2 लाख रुपए से क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स में और कह देंगे कि आपको अब हमें एक भी पैसा नहीं देना, यानी आपको हमने 20,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपको ये पैसा कभी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर फिर से इस सेलर ने यानी क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया, इसीलिए मैंने क्या कहा था, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज मेड एंड इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इन दोनों में जरा कुछ समानता देख लीजिए, दोनों में पहले उधार पर सामान बेचा गया, ज्यादा पैसा लेना था इसीलिए डेटर को ज्यादा से डेबिट किया था, यहां डेटर का नाम था तो नाम लिख दिया, नाम नहीं था तो एक जनरल अकाउंट है डेटर्स का वो लिख दिया, लेकिन जब पैसा आया तो उस ड्यू अमाउंट से कमाया और हमने कहा भैया जितना तुमसे लेना है मान लो उतना ही आ गया हमारा, तो आपने दिया कम और हमने आपको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने अपना एक्सपेंस दिखा दिया यहां पर भी और यहां पर भी, इसीलिए डिस्काउंट अलाउ को हमेशा डेबिट किया जाता है दोस्तों। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए, क्या ये बातें समझ में आ रही है सबको? तो दोस्तों यहां कैश की जगह
अगर चेक से पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, लेकिन यही वो केस है जो आपके सामने आ सकते हैं दोस्तों। ये है आपका क्रेडिटर की तरफ से जिसने डिस्काउंट दिया, यानी क्रेडिटर की तरफ से जो भी एंट्रीज मैंने पास की, इन दोनों एंट्रीज में एक्चुअली आपके सामने ये नेट एंट्री आ सकती है। सीधा यही एंट्री बोलेंगे कि इतना अमाउंट हमने रिसीव किया, सेटलमेंट कर डाली। मैंने आपको ये दो दो एंट्रीज करके क्यों दिखाई है, इसीलिए दिखाई है ताकि आपको ये रीजन मालूम हो सके कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों किया जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये हमने जो एंट्री पास की है दोस्तों, ये किसकी की है, कैश डिस्काउंट अलाउड। ये एंट्रीज हमने किसकी की है, कैश डिस्काउंट अलाउड। और जिसे खाली डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे तब भी उसका मीनिंग सेम होता है। तो हमने सेलर की तरफ से इस डिस्काउंट अलाउड की जनरल एंट्रीज दोस्तों पास कर ली हैं। ठीक है जी, इसे ए और बी लिख देता हूं। तो ए पार्ट इसमें हमने कवर कर लिया कैश डिस्काउंट वाला। अब जो हम जनरल एंट्री पास करने वाले हैं वो बायर की तरफ से जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं हम आगे। तो अब शुरू हुआ काम हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड का। और ये डिस्काउंट रिसीव कौन कर रहा है भैया, डेटर, क्योंकि उसे कम पैसा देना पड़ रहा है। ठीक बात है कि नहीं, उसे कम पैसा देना पड़ रहा है, क्या ये बात क्लियर हुई है नहीं? और अब इसमें मैं वो जनरल एंट्री करके पहली वाली परचेज की एंट्री करके दिखाने की जरूरत है या नहीं है, परचेज की एंट्री करने की जरूरत है या नहीं, समझ जाएंगे आप। नेट एंट्री दिखा दी जाए इसकी। तो हम करने जा रहे हैं दोस्तों